योगी सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों को एक चेतावनी दी थी तो कई लोगों ने सीएम योगी के अंदाज पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन जब वही फॉर्मूला हिट हुआ तो सब वाह वाह करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस तो अब यूपी के वसूली प्लान को दिल्ली में भी लागू करने की प्लानिंग कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। योगी का फॉर्मूला जो हुआ है हिट, वो दिल्ली में भी होगा फिट। वीडियो फुटेज से बेनकाब होंगे दंगाई, यूपी की तर्ज पर होगी नुकसान की भरपाई। यूपी फॉर्मूले से दिल्ली में वसूली, तो दंगों के दर्द से करा रही दिल्ली के जख्मों पर यूपी वाली दवा को आजमाया जाएगा। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी का वसूली वाला फॉर्मूला अब दिल्ली में भी अपनाया जाएगा, यानी दंगाइयों को वसूली का नोटिस भेजकर सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। यूपी पुलिस की तर्ज पर दिल्ली पुलिस भी दंगाइयों से हिंसा में किए गए नुकसान की भरपाई की तैयारी कर रही है, और इसके लिए सूत्रों की माने तो इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। दिल्ली मुख्यालय पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और बात करें तो दिल्ली पुलिस का पूरा एजेंडा जो है वो तैयार हो चुका है, और ख़ास तौर पे अब तक कई FIR कई गिरफ्तारियाँ जरूर आपने सुनी होंगी, लेकिन पुलिस की ये खास तैयारी जो है दंगाइयों से, जिस तरह से यूपी में ख़ास तौर पर जो नुकसान हुआ था, चाहे वो सरकारी नुकसान हो निजी नुकसान हो, उसकी भरपाई की गई, उसी तरह से दिल्ली पुलिस भी भरपाई करने की तैयारी में है। इसके लिए लोकल लेवल पे पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कैसे नुकसान का अनुमान लगाया जाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस MCD और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, पूरे नुकसान का अनुमान लगा रही है। एक अधिकारी की माने, अगर हमारे सूत्रों की माने, तो बहुत जल्द जो है इस प्रक्रिया को सामने लाया जाएगा। और जिस तरह से यूपी में दंगाइयों से वसूली की गई है लगातार, यहाँ भी खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से बड़ा नुकसान हुआ, सैकड़ों गाड़ियाँ जलाई गई, घरों में आग लगाई गई, जिस तरह से एक बड़ा नुकसान हुआ, अब उस नुकसान की भरपाई दिल्ली पुलिस दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त करके करेगी। दरअसल CAA और NRC पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को चेताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी संपत्ति जलाई तो वसूली की जाएगी पाई पाई, और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे, और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों में तब अफरा तफरी मच गई जब नुकसान के लिए वसूली का नोटिस घर पर आया, घर की चौखट पर चस्पा कर दिया गया। योगी के इस वसूली फॉर्मूले से प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के दिल में खौफ का आलम है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस भी यूपी के हिट फॉर्मूले को दिल्ली में लागू करने का प्लान बना रही है, और इसी प्लान के तहत केवल दंगे के दौरान ही नहीं बल्कि CAA और NRC के विरोध में बर्बाद की गई संपत्ति की भी वसूली की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।